तो आज का टॉपिक होगा विदेशी आक्रमण। प्राचीन इतिहास में विदेशी आक्रमण की हम बात करेंगे। तो देखो, एक सवाल ये पूछा जाता है कि पहले आक्रांता कौन थे या पहले आक्रमणकारी कौन थे। आक्रांता / आक्रमणकारी। तो देखो, कुछ किताबों में यहाँ लिखा जाता है आर्य, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम अपने आप को खुद आर्य कहते हैं, तो इसलिए आर्य जो है जो बाहर से भी अगर आए, अगर हमने मैक्स मूलर के सिद्धांत को मान भी लिया, तो इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किए इस बात की पहली बात तो पुष्टि नहीं होती है। इन्होंने यहाँ पर जो है, यहाँ का जो समाज है उसमें जो रीति रिवाज थे, जो यहाँ पर जो सांस्कृतिक जीवन था या जो सामाजिक जीवन था, राजनीतिक जीवन था, आर्थिक जीवन था, उसको परिवर्तित ज़रूर किया, लेकिन इन्होंने आक्रमण नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए हम इनको पहले आक्रांता या प्रथम आक्रमणकारी नहीं मानते। तो भाई किसने किया भाई सबसे पहला आक्रमण यहाँ पर? तो पहला आक्रमण जो है वो भारत पर किया था किसने? ईरान वालों ने। ईरानी आक्रमणकारी या ईरानी पहले आक्रांता थे। कब किया इन्होंने? आपका 1516 BC में, ईस्वी पूर्व में। कौन था भाई ये आक्रमण करने वाला? डेरियस प्रथम था, इसने पहला आक्रमण किया था भारत पर। इसके बाद जो है यूनानियों ने भी यहाँ पर आक्रमण किया। बहुत महान व्यक्ति था ये यूनानी जिसने आक्रमण किया था, जिसका नाम क्या था? सिकंदर महान, 326 BC में। ठीक है, तो ये था आपका कौन? सिकंदर। तो ये दो आक्रमण का ये जो दो आक्रमण है हमारे महाजनपद काल के से कुछ पहले और महाजनपद काल के दौरान हुए थे, तो इसलिए इन आक्रमणों को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ईरानी आक्रमण की। किसकी बात करेंगे? ईरानी आक्रमण की। ठीक है, ईरानी आक्रमण। तो ईरानी आक्रमण जो है, जिस समय इसने ईरान ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय इस ईरान को क्या कहा जाता था? ईरान को इस समय कहा जाता था पारस। फारस भी कह सकते हैं, पारस भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वंश शासक कर रहा था, किस वंश का शासक था यहाँ पर? हखामनी वंश का। हखामनी वंश इसका शासन था, तो इसलिए इसको पारस का आक्रमण, फारस का आक्रमण, पर्शियन आक्रमण, हखामनी आक्रमण कुछ भी कह सकते हैं। तो पहला आक्रमण जो है ईरानियों ने, या पर्शियन आक्रमण, या फारस आक्रमण, या पारस आक्रमण, या हखामनी आक्रमण हुआ था भारत। तो इस आक्रमण के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो किसी भी इतिहास को जानने के आपके क्या होते हैं? एक तो पुरातात्विक अभिलेख होते हैं और एक आपके क्या होते हैं? साहित्यिक अभिलेख होते हैं। तो हमें इसके बारे में पुरातात्विक स्रोतों से भी जानकारी मिली और साहित्यिक स्रोतों से भी मिली। तो पुरातात्विक स्रोतों से जो है कहाँ से मिली हमें जानकारी? एक डेरियस प्रथम, या इसको कई बार क्या कहा जाता था? दार यहू भी कहा जाता है, दार यहू प्रथम। इसका हमें तीन अभिलेख मिले, इनसे पता चलता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है आपका दूसरा जो है आपका क्या कहा दूसरा जो है आपका कौन सा स्रोत होता है? साहित्यिक स्रोत होता है। तो साहित्यिक स्रोत से कौन सा साहित्यिक स्रोत है? वो है हमारा इतिहास के पिता, किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। ठीक है, हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस की एक किताब है आपका द हिस्टोरिका। इसमें जो है कहा गया है इस आक्रमण के बारे में। ठीक है, इस आक्रमण के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक हो गया भाई। अब देखो,
क्या कहा गया है इस आक्रमण के बारे में इस किताब में? इस किताब में ये कहा गया है कि डेरियस डेरियस प्रथम ने जो है भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, और इसने क्या किया था, जो महाजनपद काल में मैंने आपको काम्बोज गांधार बताए थे, ठीक है, तो काम्बोज जनपद जीता था, ठीक है, गांधार जनपद जीता था और सिंध का क्षेत्र जीता था, सिंध क्षेत्र जीता था। तो ये क्षेत्र जीतने पर इसने क्या किया था, इसके राज्य में पहले से ही क्या थे, 19 राज्य थे इसके राज्य में पहले से ही, या जिस देश में राज्य करता था उसमें 19 राज्य पहले से थे। तो काम्बोज, गांधार और सिंध को मिला करके इसने एक और राज्य बना दिया, तो ये कौन सा राज्य हो गया, 20वां राज्य बनाया, ये कहा गया है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जो है इसमें क्या कहा गया है, दूसरा ये कहा गया है कि यहाँ से राजा को, यानी कि जो हीरो सॉरी डेरियस प्रथम था, हेरोडोटस की किताब हिस्टोरिका में कहा गया है कि डेरियस प्रथम को 360 टैलेंट स्वर्ण धूली धूली एक तरीके से सिक्के हैं, तो इतनी धूली इसको यहाँ से क्या मिलता था, राजस्व मिलता था, कर मिलता था। तो देखो अकेला ये जो राज्य है इसको 360 टैलेंट्स की स्वर्ण धूली दे रहा था, और बाकी जो है ये आपका देखो जो ये दे रहा था ये उसकी कुल आय का 1/3 था, तो ये 19 राज्य कितने दे रहे होंगे, 2/3, यानी कि एक अकेला राज्य लगभग 33%, 100 में से 33 रुपया जो है ये जो है काम्बोज, गांधार और सिंध का क्षेत्र कर के रूप में दे रहा था, बाकी 19 राज्यों से केवल 66% मिल रहा था, ठीक हो गया। तो यानी कि अच्छी खासी आय में वृद्धि इसकी हुई थी डेरियस प्रथम की, ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पर एक सवाल और आता है, डेरियस तो पहला आक्रमणकारी तो था, ठीक है, पहला आक्रमण जो है 516 BC में डेरियस प्रथम ने किया था, इससे पहले एक और व्यक्ति था जिसने जो है अफगानिस्तान और हिंदू कुश वाले क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया था, उसका नाम था साइरस द्वितीय, क्या था, साइरस द्वितीय। तो ये जो साइरस द्वितीय था, ठीक है, इसने क्या किया, आक्रमण तो किया लेकिन ये जीत नहीं पाया, असफल रहा ये, ठीक है। तो पहला सफल आक्रमणकारी, ईरानी आक्रमणकारी कौन था, डेरियस प्रथम, अगर पहला ईरानी आक्रमणकारी बोलता है तो आपका साइरस हो, ठीक है, तो पहला ईरानी आक्रमणकारी साइरस द्वितीय और पहला सफल ईरानी आक्रमणकारी डेरियस प्रथम, जिसने 516 BC में आक्रमण किया था, इसको हम क्या कहते हैं, दार यहू प्रथम नाम से भी जानते हैं। अब देखो ये ईरानियों ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो इसका भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो देखो कोई जब किसी ने आक्रमण किया तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहा ही होगा, ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रभाव पढ़ेंगे ईरानी आक्रमण का, तो इसके बारे में बात करते हैं, ईरानी आक्रमण का प्रभाव। तो ईरानी आक्रमण का प्रभाव तो क्या हुआ भाई, पहला तो ये हुआ कि जो भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश थे, पश्चिमोत्तर प्रदेश का मतलब समझते हो, भारत का ये जो प्रदेश है, ठीक है, आपका क्या जिसको हम क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, ठीक है, चलो मैं बना ही देता हूँ क्योंकि इस मैप की ज़रूरत मुझे बाद में भी पड़ेगी, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा।
नहीं। तो देखो यहीं पर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर मैंने आपको गांधार और आपका काम्बोज ये सारे बताए थे यहाँ पाकिस्तान में, ठीक है। तो इस एरिया को इसने जीता था, सिंध प्रांत ये है। तो ये जो पश्चिमोत्तर प्रांत ये कह रहा है, उत्तरी हो गया और पश्चिमोत्तर प्रांत ये हो गया, ठीक है। तो इन जगहों पर जो है क्या हुआ, एक विशेष लिपि जो है उसका जन्म हुआ। उस लिपि को क्या बोलते हैं, खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि, अशोक के जो शिलालेख वगैरह हैं वो भी इसी में मिले हैं, खरोष्टी लिपि में, ठीक है। तो खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ। खरोष्टी लिपि किस लिपि से बनी, अरमेइक लिपि से। ये अरमेइक लिपि जो है ये कहाँ की थी, ये आपकी ईरान की लिपि थी, इससे बनी, ठीक है। तो खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ, पहला तो प्रभाव यही पड़ा। दूसरा प्रभाव जो है क्या हुआ कि आपका जैसे दीपी, राजा राजाज्ञा के लिए शब्द यूज होगा। राजाज्ञा मतलब कोई व्यक्ति जो है वो, अगर कोई राजा जो है कोई आदेश निकालना चाह रहा है तो उसको क्या बोलते थे, हम दीपी बोलते थे, ठीक है। और अभिलेख के लिए निपिष्टि शब्द यूज होता था, ठीक है। तो बाद में जो है भारत के लोग भी दीपी, जैसे अशोक ने अपनी समय राजाज्ञा जारी की थी, अशोक जो है समय समय पर शिलालेख जारी करता रहता था, जिससे वो क्या बताता था कि भाई हमने जो है ये काम कर दिया है या प्रजा को ये करना चाहिए, तो वो प्रजा के लिए एक तरीके से ऑर्डर निकालता था। तो वो क्या हो गई, राजाज्ञा हो गई। तो राजाज्ञा के लिए निपिष्टि और सॉरी दीपी शब्द, और अभिलेखों के लिए आपका क्या निपिष्टि, इन शब्दों का प्रयोग होने लगा। तो यानी कि कुछ ईरानी शब्द जो है वो भारतीय भाषा में शामिल हुए। इसके बाद जो है आपका क्या हुआ कि अशोक ने शिलालेख बनाने शुरू किए, ठीक है। ये इसी पर इसी इसी के प्रभाव से हुआ, अशोक के जो शिलालेख थे वो इसी से हुए। अब क्या हुआ, अशोक के जो शिलालेख थे, ठीक है, उसके ऊपर जो है एक घंटे की आकृति जैसी बनती थी, ये भी जो है वो इसी इसी से प्रभावित थी, ठीक है। जो ये आपके इसके समय के आपके जो अभिलेख मिले थे, ठीक है, और इसके अभिलेखों के बनाने के तौर तरीकों से ही जो है अशोक ने भी अपने अभिलेख बनाए थे। अच्छा, तो अशोक के द्वारा जितने भी शिलालेख थे या स्तंभ लेख थे उन सब में क्या किया, आपका स्तंभों के जो शीर्ष थे उन पर क्या किया, घंटे की घंटे का आकार बना के रखा, ठीक है। तो ये यहीं से आया। अच्छा, इसके बाद जो है आगे ईरान में जो है एक सोने सोने का सिक्का चलता था, डेरिक नाम बोलते थे इसको, ठीक है। तो डेरिक नाम का सोने का सिक्का चलता था। वैसे ही जो है ईरान में एक जो है चांदी का सिक्का चलता था, जिसको क्या बोलते थे, सिगलोई, ठीक है। तो इनको देख के भारत में भी क्या होने लगे, सिक्के चलने लगे। तो ये भी एक प्रभाव था, ठीक हो गया। इसके बाद जो है अभिलेख जो है वो अशोक ने इन्हीं को देख के बनाए थे, ठीक है। अच्छा, और फिर जिन मार्ग से देखो, ये आपका यहाँ से अगर आप पीछे जाओगे तो यहाँ पाकिस्तान और उसके बाद यहाँ क्या है, ईरान है। तो ये जिन मार्गों से भारत होके आए थे उन्हीं मार्गों के आसपास जो है क्या हुए, नए व्यापारिक मार्ग विकसित हुए। नए जो है व्यापारिक मार्ग क्या हुए, विकसित हुए। तो ये प्रभाव पड़े किसके, ईरानियों के आक्रमण के, जो कि आपका किसके नेतृत्व में हुआ था, डेरियस प्रथम, या आपका जिसको हम क्या कहते थे, दार यहूबी कहते थे। कब किया था इन्होंने ये आक्रमण, सन 1516 BC में, ठीक हो गया भाई। अब आगे बात करते हैं किसकी, दूसरा आक्रमणकारी जो था, दूसरा आक्रमणकारी कौन थे, यूनानी थे। तो यूनान से किसने आक्रमण किया था, कौन था यूनानी आक्रमण करने वाला, ठीक है। तो ये था आपका सिकंदर, कौन था, सिकंदर। तो सिकंदर ने भी भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। इसके पिता की अंतिम इच्छा थी कि वो क्या करना चाहते थे, पूरे विश्व को अपना साम्राज्य बनाना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए जो है अपनी पिता की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए इसने जो है युद्ध किया था, 326 BC में इसने ये युद्ध किया था, ठीक है। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा आगे बात करते हैं इस युद्ध के बारे में, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। सिकंदर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इससे काफ़ी सवाल आ सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, तो थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मैप में अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम मैप में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आक्रमण जो है किसने किया था भाई? सिकंदर ने किया था। अब सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, ये आपको याद रखना। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, ये आपको याद रखना है। कब आक्रमण किया था इसने? 326 BC में, बात की, ठीक है। अच्छा, तो देखो क्या हुआ कि जो सिकंदर था, ठीक है, तो ये यूनान, अभी तुम लोग जो है ग्रीस देखोगे, ठीक है, यूरोप के मैप में, ठीक है, भूमध्य सागर के ऊपर, ठीक है, देखना, तो ग्रीस नाम की कंट्री है। तो वहाँ पर जो है एक जगह आजकल लिखी होगी मैप में, नाम लिखा होगा मैसोडोनिया, ठीक है, मैसोडोनिया। तो इसको पहले क्या कहते थे? इसका जो पूर्व वाला जो नाम था वो क्या था आपका? मकदूनिया, ठीक है, मकदूनिया। तो मकदूनिया में जो है एक राजा रहता था, या एक राजा था यहाँ का, जिसका नाम था फिलिप, और उसकी पत्नी का नाम था ओलंपिया। ओलंपिया, तो ओलंपिया के गर्भ से इसका जन्म हुआ था। कब? सिकंदर का 356 BC में इसका जन्म हुआ था, ठीक हो गया। अच्छा, इसको कई बार जो है इस जगह को हम लोग इतिहास में पेला नाम से भी सुनते हैं, ठीक है, इस जगह, जिस जगह पर इसका जन्म हुआ था, या इस जगह को हम पेलो मे वे नस भी कहते हैं, पेलो मेवेनस नाम की जगह पर, या पेला नाम की जगह पर इसका जन्म हुआ था। पिता का नाम फिलिप था, माता का नाम ओलंपिया था। किसकी? सिकंदर। इसके गुरु कौन थे? अरस्तु, ठीक हो गया। तो ये विश्व विजय की के लिए कब निकला था अपने घर से? 336 BC में जो है ये जो है विश्व विजय करने के लिए निकला था, तभी 20 वर्ष का था। 326 में इसने जो है भारत पर आक्रमण किया, 326 BC में, तब ये 30 वर्ष का था। और 323 BC में जो है ये मर गया था, तब ये केवल 33 वर्ष का था, ठीक हो गया। तो भाई इसने क्या किया, जब आप देखोगे तो भारत के मैप में इधर पाकिस्तान, फिर ईरान, फिर इधर नीचे सऊदी अरब का प्रायद्वीप, ठीक है, उसके बाद थोड़ा पीछे की तरफ जाओगे तो यहाँ भूमध्य सागर, ठीक है, ये भूमध्य सागर, इस तरह से कुछ इसका विस्तार है। इसके ऊपर जो है यहाँ पर क्या है? ग्रीस। तो यहाँ से जब इसने राज्यों को आगे जीतना शुरू किया पूरब की तरफ को, तो सबसे पहले इसने क्या किया, तुर्की का एशिया माइनर, यहाँ पर जो था कौन सा राज्य था? तुर्की और एशिया माइनर, ठीक है। तुर्की जो है एशिया का सबसे पश्चिमी देश भी है, मैंने आपको बताया था। तो तुर्की का जो एशिया माइनर वाला जो प्रांत था उस पर इसने सबसे पहले क्या किया? युद्ध किया। इसके बाद जो है इसने सीरिया, ईरान, मिस्र, मिस्र जो है नीचे दक्षिण भूमध्य सागर के नीचे जो है यहाँ पर आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, और इधर से जो है आपका क्या है? सऊदी अरब, ठीक है, अरब प्रायद्वीप, इस तरह से, ठीक है। ये तो यहाँ पर जो है आपका ये साउथ अफ्रीका है, सॉरी अफ्रीका है, अफ्रीका का ये कौन सा देश है? मिस्र। तो यहाँ इसने मिस्र पर भी आक्रमण किया, ठीक है, इधर आपका ईरान हो गया, ठीक है, एशिया माइनर हो गया, बैक्ट्रिया हो गया, फिर आपका अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। तो ये सब आई एरिया जीते जीते ये यहाँ तक पहुँचा, कहाँ? सिंधु क्षेत्र में, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसने जो है क्या किया, सबसे पहले एशिया माइनर, ये वाला एशिया माइनर है, एशिया माइनर का राजा कौन था? एशिया माइनर का राजा था दारा तृतीय, ये पूछ सकता है आपसे, एशिया माइनर का राजा कौन था? तो वो था दारा तृतीय, ठीक हो गया। दारा तृतीय के साथ इसने क्या हुआ आपका, जिस जगह पर युद्ध किया था, या एक युद्ध किया था, उस युद्ध को हम बोलते हैं अरा वेला का युद्ध, अरा वेला, या फिर हम बोलते हैं गो गै मेला का युद्ध, ठीक है। तो गोगे मेला का युद्ध जो है दारा द्वितीय, सॉरी तृतीय और सिकंदर के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर महान जीता था, ठीक हो गया। कहाँ का राजा था? एशिया माइनर का, ठीक हो गया। अब इसका जो राज्य था, ठीक है, इसका जो राज्य, जो एशिया माइनर था, ये मकदूनिया से 40 गुना था, 40 गुना बड़ा राज्य था, तो इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई भाई। इसके बाद क्या हुआ कि इसने जो है 331 BC में ये आक्रमण किया था, मैंने आपको यहाँ पे लिखा था, तो नहीं लिखा था,
331 BC में ये आक्रमण किया था। इसके बाद अगले 326 तक जो है ये यहीं पर रहा, और ये 15 साल जो है इसने जो है यहाँ पर खूब जो दारा के अधीनस्थ थे उनको जो है खूब इसने जो है क्या किया, उन पर खूब अत्याचार किया, उनको खूब दबाया। उसके बाद आप देखोगे तो भारत में क्या है, यहाँ पर इस तरह से इधर से एक नदी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु के बाद नीचे यहाँ पर जो है वो झेलम नदी है इस तरह से, ठीक है। झेलम के बाद फिर चिनाब है, ठीक है। चिनाब के बाद फिर आपका रावी है, ठीक है। रावी के बाद आपका फिर जो है ब्यास है, ब्यास के बाद फिर जो है आपका क्या है, सतलज है, ठीक है। ये आगे जाके इस तरह से मिल जाता है। तो इस क्षेत्र में इसने आक्रमण किया, ठीक है। उससे पहले जो है जो ये गांधार वगैरह वाला जो था ये ईरानी साम्राज्य का हिस्सा था, तो उसने ईरान को पहले ही हरा चुका था। एशिया माइनर, ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र, ये सबको जीतता हुआ ये आगे यहाँ तक पहुँचा था। तो इसने क्या देखा कि जो सिंधु है और जो झेलम नदी है, ये जो दो नदियाँ हैं इसके बीच का जो एरिया है, इसके बीच का जो राज्य है, यहाँ कौन था राजा, आम्भी था, ठीक हो गया, राजा आम्भी था यहाँ पर झेलम और चिनाब के बीच में। देखो तो झेलम और झेलम दूसरी नदी है ऊपर से, और तीसरी नदी चिनाब है। इस क्षेत्र पर, इस क्षेत्र पर किसका राज्य था, पोरस का राज्य था, ठीक हो गया। तो सिकंदर जब भारत आया तो क्या हुआ, सबसे पहले जो है आम्भी के राजा से ये मिला, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में, आम्भी और पोरस के बीच में क्या थी, शत्रुता थी। तो जो है क्या हुआ कि आम्भी के राजा ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक हो गया। और पोरस और इसके बीच में एक युद्ध हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, बितस्ता का युद्ध कहते हैं, बितस्ता का युद्ध, ठीक है। ये युद्ध कब हुआ भाई, ये युद्ध हुआ आपका 326 BC में हुआ भाई। अच्छा, और इसको जो है कई बार हम एक और नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस युद्ध का नाम है हाई डे स्पीस का युद्ध, हाई डे स्पीस का युद्ध, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है सिकंदर ने जो है आम्भी और शशिगुप्त को भी हराया, पहले इस मतलब एक तरीके से आत्मसमर्पण कर चुका था, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में सिकंदर जीता, लेकिन पोरस जो है, जब पोरस को सिकंदर के पास ले जाया गया तो पोरस से सिकंदर ने पूछा कि आपके साथ क्या बिहेव किया जाए। तो उसने बोला कि भाई जो एक शत्रु दूसरे शत्रु के साथ करता है वैसा व्यवहार कीजिए। तो सिकंदर कहते हैं कि उससे खुश हो गया और उसने उसका राज्य जो है वो क्या कर दिया, वापस कर दिया, ठीक हो गया। अब इधर जो है आपका राबी, ये राबी है, ठीक है। ये नदी राबी है आपका, ठीक है। सिंधु, सिंधु के बाद दूसरी झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद आपका रावी। तो रावी, ब्यास और सतलज, यहाँ पर जो है बहुत छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है। कौन कौन से राज्य थे भाई यहाँ पर, यहाँ पर एक राज्य था सिवी, ठीक हो गया। दूसरा राज्य था मालव, तीसरा राज्य था शूद्रक, चौथा राज्य था आपका अगस्त्यलोई, अगस्त्यलोई, ठीक है। उसके बाद चौथा राज्य था आपका अश्वक, चौथा क्यों तो बहुत हो गया, पांचवा। इसके बाद एक राज्य था पाटल, ठीक है। तो हम इसमें से जो तीन इम्पोर्टेंट हैं, एक तो है मालव, दूसरा है अश्वक और तीसरा है पाटल, इनके बारे में बात करें। तो इन इन सब पर जो है एक एक करके सिकंदर ने आक्रमण किया था। ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये यहाँ नहीं है, कहाँ है ये, केवल इस क्षेत्र में है ये, ठीक है, रावी और सतलज के बीच में, ठीक हो गया। सॉरी, रावी और सतलज के बीच में नहीं, रावी और ब्यास के बीच में, केवल इस क्षेत्र में, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, मालव, मालव में जब आक्रमण हुआ तो सिकंदर घायल हो गया है। जब ये घायल हुआ तो इसने कहा कि मालव के जितने लोग हैं सबको मार दो, सारे पुरुष, महिला, बच्चे, सबको मार दो, ठीक हो गया भाई। उसके बाद जो है अश्वक, अश्वक की राजधानी थी उस समय मगस, मसगस, मगस, ठीक है, मसगस नहीं, मसगस नहीं था, मगस, सौ फिर ग था,
क्या था ये? मस्क, यहाँ पर इसकी राजधानी थी। ठीक हो गया। तो यहाँ के सारे पुरुष जो है वो सिकंदर के विरुद्ध लड़ते रहे। उसके बाद जब पुरुषों की सेना हार गई तो महिलाओं ने भी लड़ाई की। क्वेश्चन आता है किस युद्ध में जो है पुरुषों के साथ साथ पुरुषों के हारने के बाद महिलाओं ने लड़ाई लड़ी, तो अश्वक में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है महिलाएं, पुरुष हार गए तो महिलाएं आई। ठीक है, अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि जो है हार तो गए ही थे खैर। उसके बाद अगला आता है आपका क्या, अगस्त्य लोई। ठीक है, तो अगस्त्य लोई में क्या हुआ, यहाँ महिलाओं ने पहले लड़ाई लड़ी, जब महिलाओं से बात नहीं बनी तो पुरुषों ने लड़ाई लड़ी। उसके बाद जो है यहाँ पर महिलाओं ने जौहर भी किया, कुछ महिलाओं ने। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका पाटल। इसके बाद जब यहाँ से आगे मतलब रावी और आपका ब्यास से जब आगे बढ़ा तो इधर की तरफ, नीचे की तरफ या इधर की तरफ यूँ कह लो पाटल, तो यहीं पर एक पाटल था, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है नहीं। ठीक है, तो पाटल पे इसने क्या किया, विजय अभियान मतलब पाटल पर आक्रमण किया। ये इसका अंतिम अभियान था, सिकंदर का अंतिम अभियान कौन सा था, पाटल। तो देखो भाई, हमने जो है कल देखा था ये कल पर कल ही देखा था, तो यहाँ जो 7 जो 16 महाजनपद थे, ठीक है, आपका कांधार और आपका ये यहाँ पर एक और राज्य था। ठीक है, इस तरह से आपका कुरु, ठीक है, काशी, कोसल, ठीक है, वज्जी, अंग, इस तरह से ये 7 राज्यों का एक समूह जो है वो आपका किसका हो चुका था, नंदवंश के अधीन हो चुका था। तो ये जो है यहाँ से ये पता चल गया कि भाई यहाँ से आगे सिकंदर के सैनिकों को ये पता चला कि ये तो छोटे छोटे राज्य थे, आगे जाके इनसे बहुत बड़ा राज्य है नंदवंश का, तो उनसे लड़ना आसान नहीं होगा। ये तो ये उनको रहा। दूसरा जो है इन्होंने जो है क्या किया था, यहाँ से आगे बढ़ने को मना कर दिया था। ठीक है, तो जब मना क्यों किया, एक तो यही बात हुई कि भाई आगे धनानंद का शासन है, दूसरा कहते हैं कि जहाँ इनका खाना रखने का, जहाँ पर ये खाना रखते थे वहाँ पर चाणक्य ने चूहे छोड़ दिए थे। तो क्या हुआ कि इनका खाना चूहों ने ख़त्म कर दिया, तो ये अफवाह फैलाई गई कि ये जो है भगवान का, भगवान भी नहीं चाहते कि ये जो है आक्रमण करे और भगवान जो है इनका खाना जो है ख़त्म कर दे रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जो है इसके सैनिक जो है वो 10 वर्ष से घर से बाहर, तो भाई 10 वर्ष से घर से बाहर रह के लड़ाई कौन लड़ सकता है। ठीक है, आदमी के अपने और भी काम होते हैं। ठीक है, उसको अपने घर वालों की याद आती होगी, सैनिकों को, ठीक है, किसी के कुछ काम भी होते होंगे, तो यहाँ से आगे सैनिकों ने जाने के लिए मना कर दिया। ठीक है, दूसरा जो है इन सैनिकों में बीमारी भी फैल गई थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि भाई अंत में इन सैनिकों ने क्या कर दिया, मना कर दिया आगे जाने के लिए, तो फिर सिकंदर जो है वापस बढ़ने को मजबूर हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, तो वो जो है सिंधु नदी के सहारे सहारे, ये जो सिंधु नदी है इसके सहारे सहारे यहाँ तक आया, सिंधु के मुहाने तक। यहाँ से सेना 2 भागों में बट गई, एक पैदल गई और एक जो है आपका जल मार्ग से गई। ठीक है, तो जो जल मार्ग से उसकी सेना गई, उस टुकड़ी का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, वो किया था नियाकस ने। ठीक है, अच्छा, और थल सेना, थल के रास्ते यानी कि स्थल के रास्ते जो सेना गई थी उसका उसका नेतृत्व किया था किसने, किटेरस ने। तो ये 2 महान व्यक्ति थे। ठीक है, खुद जो है ये आपका जो सिकंदर है ये भी किस मार्ग से गया था, थल मार्ग से ही गया था। तो ये आगे जाके जो है क्या हो गया आपका कि बेबीलोन में इसे बुखार आया और आपका 330 BC में क्या हो गया, 33 वर्ष की अवस्था में ये आपका मर गया। अब जैसे हमने पिछले वाले में पढ़ा था कि भाई ईरान के आक्रमण के क्या प्रभाव रहे थे, तो एक तो सिक्के चले थे, दूसरा जो है यहाँ पर अभिलेख लिखने की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अभिलेख जो थे वो जैसे ईरानी लोग लिखते थे ऊपर स्तंभ में घंटे की आकृति बना के, उस तरह से जो अशोक लिखना शुरू किया था, तो इसी तरह से इस आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े। तो ये जो है 19 महीने यहाँ रहा था, 19 महीने तक इसने जो है सिंधु के आसपास वाले एरिया में आक्रमण किए, युद्ध किए, जीता और फिर वापस चला गया और फिर मर भी गया। तो इतिहासकार एक हैं जिनका नाम है विंसेंट विंसेंट स्मिथ,
तो विंसेंट स्मिथ तो कहते हैं कि ये आंधी की तरह आया और तूफान की तरह गया, इसलिए कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रभाव पड़े। तो लॉन्ग टर्म में क्या क्या प्रभाव पड़े भाई? लॉन्ग टर्म में कुछ प्रभाव पड़े जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए ये, ठीक है। तो एक तो जो है जल मार्ग और स्थल मार्गों की खोज हो गई भाई यूनान तक जाने के लिए, ठीक है। जल मार्ग और क्या स्थल मार्ग बने या की खोज हो गई। दूसरा जो है, क्योंकि इस दिन मतलब जैसे 1326 ईस्वी में जो है इसने आक्रमण किया, उसके बाद उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, इस तरह से इतिहासकारों ने अनुमान लगा के इतिहास लिखना शुरू किया भारत का। तो यहाँ से जो है क्या हुई, क्रमागत इतिहास लिखने की शुरुआत हुई, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्रमागत इतिहास यहाँ से देखने को मिलता है। अच्छा, गांधार शैली जो है, गांधार शैली जो है वो आपका यहीं से मिली, ठीक है। मथुरा में गांधार शैली के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, जैसे वहाँ पर भगवान को सूर्य के रूप में दिखाया गया, अपोलो, ठीक है, इस तरह से। तो गांधार शैली का जो है वो आपका यहीं से उद्भव हुआ, ठीक है। नगरीकरण, नगरीकरण बढ़ाया, नगरीकरण बढ़ा इसकी वजह से, क्योंकि इसने जो है आपके 3-4 शहर बसाए थे भारत में। जो है इसने जो है पोरस को हराने के बाद एक नगर बनाया था सिंधु नदी के, झेलम नदी के किनारे, जिसका नाम था निकैया। तो निकैया नगर किसने बसाया? सिकंदर ने। इसको आज हम लोग विजयनगर भी कहते हैं। उसके बाद जो है इसका एक घोड़ा था, ठीक है, बुफे काल। तो झेलम नदी के किनारे जो है इसने एक नगर भी बसाया था, इसी घोड़े की याद में बुफे काल नाम का नगर बसाया था। किसने बसाया? सिकंदर ने, झेलम नदी के किनारे। सिंधु नदी के तट पर इसने जो है एक नगर बसाया, जिसका नाम था सिकंदरिया नगर। इसके अलावा इसने नील नदी के किनारे भी एक अलेक्जेंड्रिया नगर बसाया था, ठीक है। तो ये तो खैर भारत में नहीं है, लेकिन आपको फिर भी याद होना चाहिए, अलेक्जेंड्रिया नगर बसाया, ठीक हो गया भाई। इसके बाद जो है यहाँ पर भारत में कुछ सिक्के चले, जिसको हम उलूक शैली के सिक्के कहते हैं। तो उलूक शैली के जो सिक्के हैं वो भी जो है इसी के बाद यहाँ पर, ये भी इसी आक्रमण की देन थी। और ज्योतिष में एक होरा चक्र होता है, तो ये ज्योतिष का जो होरा चक्र है, ठीक है, ये भी जो है आपका किसने किसकी देन है? यूनान के आक्रमण की देन है। तीसरा जो सप्ताह के 7 दिन है, ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, आप कहते हो संडे मंडे, ठीक है। तो हफ्ते के 7 दिन की जो शुरुआत है, या हफ्ते के 7 दिन भी, ये भी क्या है? यूनानियों की देन है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस आक्रमण से भारत को मिली, या तत्कालीन सभ्यता को मिली, और वहीं से फिर जो है आगे हम लोग जो है ये चीज़ें आगे विकसित होती चली गई। समझ में आया?